हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब। मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरा फर्स्ट वर्कशॉप अटेंड किया था, दैट वाज स्वीटनेस ऑफ ग्रेटिट्यूड। स्वीटनेस ऑफ ग्रेटिट्यूड में मैंने एनर्जी को एक्सप्लेन किया था, क्या होती है एनर्जी एंड व्हाट इज एनर्जी मेड अप ऑफ। जिसे हमारे 5 सेंसेस होते हैं, टच, स्मेल, सी, हियर और टेस्ट। ये सब चीज़ों से हमारे थॉट्स बनते हैं। तो ये चीज़ों को हम कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, हाउ टू एक्टिवेट आर 5 सेंसेस, ये मैंने टेक्निक बताई थी। तो मैं यहाँ दोबारा बता दूंगी वो टेक्निक। जैसे जो टच होता है, हैंड्स होते हैं हमारे, तो हमारे हैंड्स में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। डेली आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। एक्टिवेट करने की टेक्निक है, या तो आप मॉर्निंग में उठ के मेडिटेशन करके आप ओपन अप करके हैंड्स को रखें, प्रेयर्स करते टाइम पे आप ओपन अप करके मॉर्निंग में रखें, ब्रह्म मुहूर्त में ऑटोमेटिकली एनर्जाइज हो जाती है ये ऊर्जा। लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं, उनके लिए इंस्टेंट रेमेडी टू एक्टिवेट द एनर्जी इन आर पाम्स, यू हैव टू रब योर हैंड्स। आप अपने हैंड्स को रब करिए, आपको एक हीट एनर्जी फील होगी। जब वो हीट एनर्जी आपको एकदम से हाथ पाम्स आपके गर्म हो जाएंगे, तो आप वो पाम्स यूज कर सकते हैं एनर्जाइज करने के लिए अपने हर एक बॉडी पार्ट पे। जहां आपको दर्द हो रहा है, तो आप वहां पे यूज कर सकते हैं। तो ऐसे से एनर्जी आपके हाथों की एक्टिवेट हो जाती है, और आप ये ऊर्जा यू कैन यूज टू हील योर पेन और अदर्स पेन एज वेल। ठीक है, ये हो गई फर्स्ट। सेकेंड इज स्मेल, जो हम सूंघते हैं, जैसे फ्रेग्रेंस आती है, ओडर भी आता है हर किस्म का। तो हम इसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, तो बहुत सारे टेक्निक है आपके स्मेल को एनहेंस करने के लिए। एक तो आप अपने ब्रेथ पे ध्यान दें। आप जब अपने ब्रेथ पे ध्यान देंगे, तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि कैसे होता है। जैसे आप सांसों पे ध्यान देंगे, सांसों से ही जीवन चल रहा है, राइट? तो आप सांसों पे जब ध्यान लेके जाएंगे, तो आपको पता चलेगा हाउ हाउ द एयर इज गोइंग इनसाइड एंड इट्स कमिंग आउटसाइड। आपको ये गति पता चलेगी एयर की। और एक टेक्निक है, वो ये है कि इनहेल करने के बाद होल्ड योर ब्रेथ। आप अपने ब्रेथ को थोड़ी देर, जितने भी सेकेंड्स आप होल्ड कर सकते हैं, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड्स, आप इसको होल्ड करिए। ठीक है, ये एक टेक्निक हो गई, आपके स्मेल को एनहेंस करेगा। ये डेली करना है आपने। और थर्ड इज आपके आईज, वॉट एवर यू आर सीइंग। ओके, आप अपने आईज को, आईज रोटेट कर सकते हैं, आईज इधर उधर देख सकते हैं, आईज को आप एनर्जाइज कर सकते हैं। ऐसे आईज की कुछ एक्सरसाइज करके आप एनर्जाइज कर सकते हैं। और अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप एनर्जाइज करेंगे, तो बहुत ही अच्छी बात होती है, क्योंकि आईज ब्रह्म मुहूर्त में बहुत जल्दी एनर्जाइज हो जाते हैं। लेकिन सबसे ईजी टेक्निक है, जब आप हैंड्स को रब करेंगे, तो आप आंखों पर प्लेस करें इस तरीके से, तो आपके आईज एनर्जाइज हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी टेक्निक है टू एनर्जाइज योर आईज। और एक चीज, अगर डेली आप करेंगे हाथों को रब करके आंखों के ऊपर, तो चश्मा भी उतर जाता है। यस, इट्स अ फैक्ट। तो ये आप करिए आंखों को एनर्जाइज करने के लिए। और हियरिंग, हियरिंग के बहुत हम अक्सर बातें सुनते हैं, डिटॉक्स नहीं हो रहा है, कान हमारे सुनते जा रहे हैं। तो कानों की जो जो एनर्जी है ना, उसको एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप ब्रेथ होल्ड करके कानों को यहां से बंद करिए, आपको फील होगा अंदर एक आवाज सी फील होगी, तो वो आवाज को फील करिए, तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा। जब एकदम से आप कान अपने खोलेंगे, तो आपको एक एयर बाहर जाती हुई नजर आएगी। वो आप कर सकते हैं, नहीं तो जैसे मैंने कहा, पाम्स आप अपने कानों पे भी रख सकते हैं, तो आपके ईयर्स भी इंस्टेंटली एनर्जाइज हो जाएंगे। और टेस्ट जो होता है, हमारी जो जबान होती है, इसलिए पुराने जमाने में आप लोग बहुत कम बोलते थे, मौन रख लेते थे। तो आप कोशिश करिए कि आप कम बोलिए, और आप जो भी खाना कंज्यूम कर रहे हैं, तो कोशिश करिए एक दिन 24 आवर्स आप सिर्फ लिक्विड डाइट पे जाएं, आप कुछ भी कंज्यूम सॉलिड मत करें, तो इससे आपका टेस्ट एनहेंस हो जाएगा। ये थी सारी चीजें जो एनर्जी के बारे में थी। तो डेली आप एक्टिवेट करिए ये सब चीजों को, तो आपको पता चलेगा क्या चेंज आता है जीवन में। और एक भी चीज थी जो थी मैजिकल टिप। मैजिकल टिप ये थी कि हाउ टू काम योर माइंड, यू हैव टू जस्ट ओपन योर लिप्स लाइक दिस। आप करके देखिए, आपको फायदा होगा। तो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस फर्स्ट वर्कशॉप। थैंक यू एवरी वन, एंड प्लीज डू फॉलो दीज रेमेडीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते, प्रणाम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।